नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिव प्रसहनी और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट नाइन। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। कुछ दिनों पहले वो बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई, तो वहीं भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए वोट मांगे और अब आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी के लिए वो दिल्ली में भी चुनाव प्रचार करती नजर आई। वो लगातार तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के खिलाफ लगातार जहर उगलती नजर आती है। अब स्वरा भास्कर जिस वजह से सुर्खियों में बनी हुई है, वो ना सिर्फ उनका कोई स्टेटमेंट है बल्कि एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल स्वरा भास्कर इन चुनाव प्रचार के दौरान एयरपोर्ट पर अपने एक फैन से मिली और उसे देखकर वो बेहद हैरान हो गई। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें स्वरा का फैन उनसे एक सेल्फी की रिक्वेस्ट करता है और जिस पर स्वरा सेल्फी लेने की परमिशन देती है, लेकिन उनका ये फैन कैमरे से वीडियो ऑन कर लेता है और वीडियो बनाते हुए बोलता है, मैम आएगा तो मोदी ही, जिस पर स्वरा बेहद हैरान हो जाती है। और इस वीडियो को खुद स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि मैं लोगों की राजनीतिक विचारधारा नहीं बदल सकती, लेकिन जिस तरीके से चालाकी से इस वीडियो को लिया गया है, क्योंकि वो जो फैन था उनका वो सेल्फी लेना चाहता था लेकिन उन्होंने वीडियो बना दिया और कहा कि आएगा तो मोदी ही। इसको लेकर स्वरा ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि ये भक्तों का ट्रेंड है। आपको बता दें, इन दिनों स्वरा भास्कर इस राजनीतिक युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, अलग अलग उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। जहां स्वरा भास्कर ने बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार किया, तो वहीं वो कांग्रेस के लिए भी कर चुकी हैं और अब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है कि वो दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार राघव चड्ढा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी की आतिशी के लिए भी चुनाव प्रचार कर चुकी हैं और लगातार वो चुनावी रैलियों में जोरदार प्रचार करते नजर आ रही हैं। तो वहीं अगर उनके बॉलीवुड करियर की बात की जाए, तो वो जल्द ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी नजर आएगी। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।